गंदी जगह को साफ करने के लिए गंदा कपड़ा मंगवाया जाता है। ओए छोटू, ये बेंच साफ करना कोई गंदा कपड़ा ले गया? पाकिस्तान में अगर कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री दस्तियाब ना हो तो नहाने के फौरन बाद कपड़े पहनने से कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। पाकिस्तान में कपड़े धोने वाले साबुन से हाथ मुंह भी धो लिया जाता है। पाकिस्तान में अगर झंडियां लगाने के लिए गूंद दस्तियाब ना हो तो आटे में पानी मिला के झंडियां भी लगा ली जाती है। पाकिस्तान में मुंह को ठंडा करने के लिए होस्ट टॉफी खाई जाती है, जिसे गरीबों का एसी भी कहते हैं। पाकिस्तान जहाँ पे ये आवाज पाई जाती है, टोटियां तो पतीसा, कापियां किताबें लगी तो पतीसा। दूसरे ममालिक में लोग कहते हैं कि ये बड़ा इंटेलिजेंट है, ये बड़ा मेहनती है, ये कामयाब होगा, अमीर बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में है, इसके दांतों में सुराख है, ये अमीर होगा। इसके डिंपल पड़ते हैं, ये अमीर होगा। इसके सर पर गर्दन के पीछे बालों की नोक बन रही है, ये अमीर होगा। इसके दोनों हाथों पे बे का निशान बन रहा है, ये हज करेगा। हालांकि वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये किसी एक शख्स के साथ ही मंसूब किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तानी हर चीज के साथ वीआईपी है, पाँव की जूती से लेके केएफसी के बर्गर तक, यार ये बड़ी वीआईपी चीज है। हालांकि फूफो आपके वालिद मोहतरम की बहन होती है, लेकिन पाकिस्तान में फूफो को अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता। आज फूफो ये गाना सुन रही थी, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, और मुझे बाद में पता चला कि मोहल्ले में लड़ाई करवा के आई है। पाकिस्तान में जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, वहाँ पे लोग कार्रवाई डालते हैं। और जिस दीवार पे लिखा होता है कि यहाँ इश्तिहार लगाना मना है, वहाँ पे लोग अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं। जैसा कि हुस्ना ब्यूटी पार्लर, दुल्हन के साथ एक लड़की फ्री, मुर्गी के स्पेयर पार्ट्स दस्तियाब है, फैक्ट्री में पैकिंग के लिए फीमेल लड़कियों लेबर की जरूरत है। फीमेल लड़कियाँ, फीमेल भी और लड़कियाँ भी। मेरे ख्याल से ये बैनर टिकटॉक के खुसरों को मद्देनजर रखते हुए लगाया गया, क्योंकि आजकल टिकटॉक पे ये मालूम करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन फीमेल है और कौन मेल है। भारत की फखरिया पेशकश, प्री पेड कनेक्शन के साथ 1.5 लीटर बोतल फ्री हासिल करें। भाई मैं मर गई, इतना टेस्टी बर्गर। पाकिस्तान वो बात मुल्क है जहाँ पे अगर हमसाये के यहाँ लड़ाई हो रही हो तो पूरे का पूरा मोहल्ला इस तरह देखता है। खवातीन का आना मना है, खवातीन के कपड़ों की दुकान है और खवातीन का आना मना है, जख्मी जूतों का अस्पताल। पाकिस्तान में जिस जगह लिखा होता है ना कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, वहाँ पे लोग फेंकते हैं, और जब लोग पास नहीं आते तो फिर उस जगह के मालिक को मजबूरन ये लिखना पड़ता है, आप यहाँ कूड़ा मत फेंकें, शुक्रिया, कोई कुत्ते का बच्चा पहले भी फेंक गया। नहीं यार ये क्या है, एक मिनट अभी खत्म नहीं हुआ, जरा एक और पढ़ लो। यहाँ पर कूड़ा फेंकने वाला है तुझे महीना भर कब्ज रहे, फिर तुझे लैटरिन में मौत आए। पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सही तरीके से उर्दू बोलते हैं। जैसा कि मरकज़े इस्लाहे ज़ुल्फ, ये बंदा पक्का उर्दू को तरजीह देने वाला, उर्दू से मोहब्बत करने वाला है। लेकिन ध्यान से देखें इस शख्स को, ये उर्दू का कातिल है, गुनाह का जूस। अबे ये किससे लिखवाया तुमने, गन्ने के जूस को गुनाह का जूस लिख दिया? वैसे ये बात वाकई हकीकत है, मेरे समेत पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उर्दू की ऐसी की ऐसी कर देते हैं, उर्दू में पंजाबी फारसी इंग्लिश सब कुछ मिक्स कर देते हैं। जैसा कि ये देखो, दरवाजा प्लीज होली बंद करें। पाकिस्तान में अगर किसी घर के अंदर जमीन पर फर्श पर कोई बर्तन गिर जाए तो बर्तन की आवाज तो आती ही है, लेकिन उसी घर के अंदर मौजूद कमरों में से भयानक गुस्से वाली 4-5 आवाजें और आती हैं, जिनमें गालियों की अमेजश भी होती है, और बाज़ुकात उन गालियों की अमेजश वाली खौफनाक आवाजों के साथ साथ उड़ते हुए छितर भी आते हैं। नमाज पढ़ते दौरान अगर सर पे पहनी हुई टोपी पहले सजदे में जमीन पे गिर जाए तो दूसरे सजदे में बगैर हाथ लगाए टोपी पहनने का हुनर भी पाकिस्तानियों के पास ही है। दूसरे ममालिक में अगर कोई सड़क पर स्पीड ब्रेकर आता है तो लोग अपनी बाइक की स्पीड कम कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर गले में कोई जंप आ जाए या सड़क पर स्पीड ब्रेकर आ जाए तो लोग अपनी स्पीड नहीं कम करते, बल्कि स्पीड को बरकरार रखते हुए अपनी तशरीफ उठा लेते हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे इस तरह के डांसर्स पाए जाते हैं।
एक किसान के पास 17 भेड़े हैं, अगर 9 के अलावा सब मर जाएं तो कितनी भेड़े बचेंगी? उलझ गए हैं, पिए लिप्टन चाय और जहन क्लियर करें।